हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी सी सर्दियों की खास रेसिपी, सरसों के साग की रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनता है और इस मौसम में बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप मक्की की रोटी के साथ, बाजरे की रोटी के साथ इसको खा सकते हैं। तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं हम। साग बनाने के लिए मैंने लिया सरसों, इसको धो के ना अच्छे से काट लिया। ये लिया है बथुआ और ये ली है पालक। अब तीनों चीज़ों को हमें एक साथ उबाल लेना है। अब सारी चीज़ों को मैंने एक बर्तन में डाल के और चूल्हे के ऊपर रख दिया है और इसको अब हम धीरे धीरे उबालेंगे। जैसे ये उबलता जाएगा ये सिकुड़ता जाएगा और अच्छे से इसमें आ जाएगा। ये अब मैं डाल रही हूँ इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। लहसुन को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया और अदरक को हल्का हल्का सा क्रश कर लिया है। तो सारी चीज़ों को हमें साग के अंदर डाल देना है। और देखिए अब हमारा साग कितना सिकुड़ गया है। जैसे जैसे ये गर्म होता जाएगा सिकुड़ता जाएगा और हमें बीच बीच में इसको चलाते रहना है। हमें साग को ढक के नहीं पकाना है, खुला ही पकाना है। ढक के पकाने से क्या होता है कि कसीला सा हो जाता है, इसमें कड़वापन सा आ जाता है। अब ये लिया है मैंने बाजरा का आटा। बाजरे के आटे की जगह आप मक्का का आटा भी ले सकते हो, बेसन भी ले सकते। अब इसमें डाल दिया है पानी और इसको हमें मिला लेना है। एक मतलब थोड़ा सा ठीक सा हमें घोल बना लेना है। किस लिए? वो ये हम डालेंगे साग में। इससे क्या होगा कि जो साग होगा हमारी उसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी बन जाएगी, वो अच्छे से घुट जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना हमें इसका एक अच्छा सा घोल बन तैयार कर लेना है। ये घोल हमारा तैयार हो गया है। तो अब इसको हम डाल देते हैं साग के अंदर। वैसे तो हम सूखा आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन सूखा आटा डालने से क्या होगा कि इसमें घुटले पड़ जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा पानी डाल के उसका घोल बना के ही हमें डालना है। और अब इसको एक बार अच्छे से मैश कर देना है। ये मैं रही की सहायता से इसको मैश कर रही हूँ। अब हमारा साग जो है देखिए बनकर लगभग तैयार है। ये देखिए बहुत अच्छे से हमारा साग बन गया है, ये अच्छे से घुट गया है। ये जो मैंने बाजरे के आटे का घोल डाला, इससे क्या होता है कि साग जो होता है अच्छे से देखिए घुट जाता है। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी बन जाती है घोल डालने से। तो अब हम इसमें लगाएंगे छौंक। साग हमारा बनकर बिल्कुल रेडी है। सरसों का साग बनाने के लिए एक बड़ा चम्मच मैंने घी ले लिया है। घी की जगह आप इसमें बटर का भी यूज कर सकते हैं। तो घी हमारा गर्म हो गया है, तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ एक चुटकी हींग। इसके साथ ही हमें डाल देनी है इसमें हरी मिर्च और प्याज। ये दो प्याज छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डालनी है और प्याज को अब हमें फ्राई कर लेना है। गैस को रखना है मीडियम फ्लेम पे। हरी मिर्च और प्याज दोनों चीज़ों को हमें मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। अब हमें डालना है लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो ये लहसुन और अदरक का पेस्ट भी मैंने बना लिया था और सारी चीज़ों को हमें चलाते हुए फ्राई कर लेना है। प्याज जो है देखिए हमारी फ्राई हो गई हैं। तो अब हम डालेंगे इसमें टमाटर। तो ये दो टमाटर काट लिए। टमाटर हमारा जल्दी पक जाए इसके लिए हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो ये नमक डाल दिया है मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लेना। नमक डालने से क्या होता है टमाटर जो होता है हमारा जल्दी पक जाता है। अब प्याज टमाटर का जो मसाला है वो हमारा 70% तक पक चुका है। तो अब हमें इसमें डालने मसाले। तो मसालों में हल्दी तो हमें चुटकी भर डालनी है, ज़्यादा हल्दी नहीं डालनी है। ये डाला है धनिया पाउडर लगभग एक बड़ी चम्मच के करीब और हाफ स्पून डाला है लाल मिर्च का पाउडर बस। और ज़्यादा मसाले इसमें यूज नहीं होते हैं। और इन मसालों को भी हमें सारी चीज़ों को मिलाते हुए बढ़िया तरीके से पका लेना है। मसाले हमारे अच्छे से पक गए हैं, मसालों ने तेल छोड़ दिया है। तो अब इसमें डालेंगे हम हरा साग। जो हरा साग हमने उबाल के रखा था
वो साग हमें डाल देना है और डाल के ना मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है। मसाले आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितने आपको पसंद है उतना आप डाल सकते हो इसमें। इसमें सिर्फ एक बात है कि जो आप छोंक लगाओ देसी घी में लगाना, देसी घी में जो छोंक लगता है इसका या बटर में लगा लेना, इससे इस सब। अब साग को भी हमें 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए पका लेना। इस सरसों का साग जो है हमारा बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसको गर्मा गर्म हम सर्व करते हैं। ये बाजरे की रोटी के साथ, मक्की की रोटी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है और सर्दी के मौसम में तो खासकर बहुत ही अच्छा होता है। डाल देना है लास्ट में हमें इसमें डाल देना है 1 चम्मच देसी घी। इससे क्या होता है सब्जी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप घी की जगह बटर भी यूज कर सकते। तो गर्मा गर्म देखिए हमारे सरसों का साग बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बना है। तो आप भी ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करना और अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय, थैंक यू। आपसे मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में।